हेलो एवरीवन, दिस इज़ द टेस्टिंग वीडियो एंड वायरिंग कनेक्शन फॉर द डिस्प्ले। सो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्ले है उसमें जितने भी वायर्स हैं उसके क्या क्या फंक्शंस है वो देखने वाले हैं। रेड और ग्रीन वायर हैं, वो रेड पॉजिटिव है बैटरी का और ग्रीन है वो ग्राउंड है यानी कि नेगेटिव है बैटरी के। रेड के मतलब पॉजिटिव के साथ साथ जो स्पीड है उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक एनालॉग स्पीड आता है और दूसरा डिजिटल स्पीड आता है। तो अगर आपके कंट्रोलर में एनालॉग स्पीड का सिस्टम है तो येलो वायर आपका लगेगा, जिसमें येलो लगाने पर यहाँ पर स्पीड शो होने लगा, ठीक है। अगर आपका डिजिटल स्पीड सिग्नल है तो वो वोल्टेज से ऑपरेट नहीं होगा, तो इसमें कितने भी वोल्टेज आप देंगे यहाँ पर स्पीड नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आउटपुट से चलता है। तो पर्पल वायर है वो प्रोग्रामिंग वाले स्पीड के लिए वन लाइन कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको फॉल्ट इंडिकेशन, 1-2-3 मोड और बाकी सारी डिटेल्स जो यहाँ पर अदर फीचर्स रहते हैं वो इसी वन लाइन कम्युनिकेशन से स्पीड वगैरह दिखाएगा। ये लाइट ब्लू है वो राइट सिग्नल के लिए है, ऑरेंज कलर का वायर है वो लेफ्ट टर्निंग सिग्नल के लिए है, और जो डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू, वो हेडलाइट इंडिकेशन के लिए है। यहाँ पर दो दूसरे कनेक्टर्स हैं, उसको कनेक्ट करने पर आपका मोड 60 वोल्ट पे चला जाएगा, ठीक है, और उसको डिसकनेक्ट रखने पर 48 और 72 दोनों में से वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। तो उसको 42 या 72 पे रखना है तो ओपन रखना है, 60 पे वोल्ट पे बैटरी चला रहे हैं तो इसको कनेक्ट करके रखना है।